गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th। आज हम ग्रामर की बुक में वर्कआउट करते हैं चैप्टर नंबर 21, दैट इज एडवर्ब्स। द एडवर्ब, अभी एडवर्ब क्या है वो हम पढ़ते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या बोल रहे हैं? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रोहन एट हिज फूड क्विकली। हाउ डिड रोहन ईट हिज फूड? देखिए, ये एट जो है वो हमारा वर्ब फॉर्म हुआ, लेकिन वो कैसे खाता है? क्विकली खाता है, तो ये क्विकली जो वर्ड है ये हमारा एडवर्ब होता है। मीना रॉट अ लेटर यस्टरडे। मीना ने लेटर लिखा, लेकिन कब लिखा? तो यस्टरडे, मतलब कि ये यस्टरडे फॉर्म जो है वो हमारा एडवर्ब हुआ। मैरीज लैम्प फॉलोड हर एवरी वेयर। मैरीज की जो लैम्प है वो हर जगह उसे फॉलो करती है। फोर्थ, ही ऑलवेज शाउट्स एट मी। हाउ ऑफन डज ही शाउट एट मी? ऑलवेज, ये जो ऑलवेज वर्ड है वो एडवर्ब होता है। मतलब इन द सेंटेंस अबाउ द वर्ड्स क्विकली, येस्टरडे, एवरीवेयर एंड ऑलवेज टेल्स अस समथिंग अबाउट द अंडरलाइन वर्ब्स, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। मतलब कि वर्ब के बारे में जो ज़्यादा कुछ बताता है उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं। अभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, बहुत सारे एडवर्ब्स के प्रकार है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब मैनर बताता है किस तरह से वो वर्कआउट होता है वो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह। एडवर्ब ऑफ टाइम, समय। और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितनी जल्दी। चलिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ते हैं। इट इज रेनिंग हैवेली। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। ये दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर हुए, क्योंकि हैवीली बताया, ब्रेवली बताया, ये मैनर्स होते हैं। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कि वेयर। मतलब आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन करोगे? द कैट रैन अपस्टेयर्स। वेयर द कैट रैन, मतलब वेयर से हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर अपस्टेयर्स आया, तो ये अपस्टेयर्स जो है वो हमारा एडवर्ब हुआ, इसलिए हम इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। डोंट गो देयर प्लीज। अपस्टेयर्स और देयर जो हुआ वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस फिर हम जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब समय के बारे में बताते हैं। डू दिस टास्क टूडे। लेट्स डिस्कस दिस लेटर। ये लेटर मतलब खत नहीं, लेटर मतलब बाद में। टूडे मीन्स आज। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब हाउ ऑफन, कितनी बार, कैसे वो। ही ऑफन टेल्स लाइज। अदनान रेयरली गोज टू द जिम, मतलब ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो है हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम जाते हैं, आपको वो चैप्टर समझ में आ गया होगा, उसकी एक्सरसाइज में हम जाते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। आपको एडवर्ब को अंडरलाइन करना है और वो कौन से प्रकार का एडवर्ब है वो आपको लिखना है। अब फर्स्ट पढ़ते हैं, स्टे हियर विथ योर सिस्टर। हियर यहाँ पे मतलब प्लेस बताया गया है, तो हियर आपका एडवर्ब फॉर्म हुआ, कौन सा? तो प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस बर्ड्स कम टू दिस पॉन्ड ईयरली। ईयरली फ्रीक्वेंसी। सलमा क्रॉस द वुडन ब्रिज केयरफुली, मैनर। राज नेवर टेल्स लाइज, फ्रीक्वेंसी। हेनरी आंसर्ड द क्वेश्चंस करेक्टली, मैनर। स्मिता अराइव्ड लेट फॉर द फंक्शन, लेट टाइम। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द फील्ड, हैप्पीली मैनर। डोंट गो इन साइड अंटिल आई टेल यू टू, प्लेस ऑन इन साइड को। यू मे नाउ रिसाइट द पोयम, नाउ टाइम। द पोस्टमैन सेल्डम कम्स टू अवर हाउस, सेल्डम फ्रीक्वेंसी। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज टू की तरफ। दैट्स रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जो अंडरलाइन वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसके एडवर्ब्स यहाँ से आपको फाइंड आउट करके अंडरलाइन वर्ब की जगह आपको एडवर्ब लिखने हैं। शी गोज स्विमिंग एवरी डे। शी गोज फॉर स्विमिंग डेली, एवरी डे का हमने डेली बनाया। फिर है गिव मी द बुक विदाउट डिले। गिव मी द बुक इमीडिएटली। देयर आर एंड्स ऑल ओवर द प्लेस। देयर आर एंड्स एवरीवेयर, ऑल ओवर द प्लेस ना बोल के हमने एवरीवेयर बोला। फिर आई विल हियर द टैप्स आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम की जगह हमने लेटर का वर्ड इस्तेमाल किया, तो यहाँ एवरी डे की जगह हमने डेली, विदाउट डिले उसकी जगह इमीडिएटली,
ऑल ओवर द प्लेस एवरीवेयर एंड आफ्टर सम टाइम दैट्स लेटर. तो हमने ये सारे वर्ड्स को चेंज करके एडवर्ब के सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट किए. बच्चों आपको भी ये एक्सरसाइज अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है. थैंक यू.